गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप अपने घरों में बहुत अच्छी होंगी। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज संडे मॉर्निंग है तो मैंने कहा व्लॉग की सेटिंग कर लेती हूँ। तो व्लॉग की सेटिंग मैं कर रही हूँ, साथ में ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। आपको वहीं पर मिलते हैं ब्रेकफास्ट पे। राइस बना है चने के परौंठे विद चाय। तो खाने के बाद आपसे मिलते हैं। सर्दी इतनी बढ़ गई है ना कि सब बीमार हो रहे। कल मम्मी बीमार थी, आज डैडी को भी पेट में इतना दर्द था। डैडी को भी बहुत पेट दर्द है। डैडी भी आज काम पे नहीं जा पाए। तो लेकिन अब दवाई खाई है, आराम कर रहे हैं, तो उन्हें आराम करने देते हैं। तो आपसे अब बाद में मिलते हैं। आपको जो भी बात होगी वो आपको बताएंगे। मैंने सोचा थोड़ी धूप नहीं जाए, क्योंकि आजकल बहुत बीमार हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं सोचा अब धूप आती कहाँ है, थोड़ी बहुत आती है, तो सोचा आज धूप ले लेती हूँ और साथ में पाठ भी कर लेती हूँ। तो फिर मम्मी और मेरी बहन भी आ रही हैं, वो भी उनका भी कोई काम रह गया, फिर आएंगी वो भी धूप लेने के लिए। और साथ में मैंने कहा सोचा धूप ले, क्योंकि विटामिन डी होती है इसके अंदर, और साथ साथ पाठ भी कर लेती हूँ। फिर आपसे मिलते हैं बाद में, और बनी रही मेरे ब्लॉग में। पाठ हो चुका है, मेरी मम्मी और मेरी बहन भी आ चुकी है। तो वो ना रोटी लेके आई थी, तो उन्होंने तो खानी, मैं आप खा रही हूँ, तो आपको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्लिप। लेकिन आज बताया था मैंने आपको, पापा की तो इतनी ख़राब है, अब फिर से पापा को बहुत दर्द हो रही है, अब फिर सो रहे हैं, अभी तक दवाई ने असर नहीं करा। देखते हैं क्या होता है, तो आपको ज़रूर बताएंगे। मैं एक ही रोटी खा रही हूँ, तो कि गोभी का जैसे, हाँ, क्योंकि अगर घर में कोई भी बीमार होता है ना, मेरी भूख अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, पता नहीं क्यों। तो आप ही जॉइन कीजिए, खाने के बाद आपसे मिलते हैं। ये धूप सेकने आई है, जो कि धूप आई नहीं। आपको तो पता था कि मेरी बहन ना पाठ कर रही थी, गाइस मम्मा अभी धूप में आ गई थी। गाइस मैंने ना तब तक ना मैं लंच लेके आती, लंच मैंने गाइस बना लिया था, गोभी के रोटी बनाए थे। गाइस मैंने इसका फ़ोन आ गया कि ना इसने एक ही रोटी खानी है, तो मैंने गाइस की फटाफट एक बना के और अपना बना के ना गाइस ऊपर ले आई थी। आज धूप कम थी ना, धूप कम में गाइस मुझे अच्छा लगता है। मेरी आँखें देखिए गाइस, ये जब बर्फ में रहना चाहती है, नहीं आई है वरना आती ही ना। हाँ देखो धूप इतनी है ही नहीं गाइस, फिर भी हमने कहा चलो थोड़ी सी धूप ले ही लेते हैं। आपसे लंच तो मैं कर ही था, आपको दिखा दिया था क्लिप में, आपको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और मैंने बर्तन भी क्लीन कर दिए और किचन में। अब उसके बाद बारी आई चाय की, चाय का टाइम हो गया है, तो आपको आपसे चाय पर ही मिलते हैं। तो बनी रही मेरे ब्लॉग में, और आपको उसी जगह आपको दिखाएंगे, तो कहीं मत जाइएगा। अब आपको डैडी की हालत दिखाते हैं। डैडी की हालत ना बहुत ख़राब है, अभी आराम कर रहे हैं, फिर भी आपको दिखाती हूँ। देखिए कैसे लेटे हुए हैं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, और फिर बस बीमार हो जा रहे हैं, चक्कर आई जा रहे हैं। जब कुछ खाएंगे नहीं तो ऐसे ही होगा ना, अपनी मनमानी करते हैं। दवाई बड़ी लेट लेते हैं, छोटे बच्चे की तरह कहना पड़ता है 100 बार तो एक बार ही लेते हैं। आप ज़रूर गाइस कमेंट करना कि पापा दवाई खाएँ कमेंट बॉक्स में। तो आपसे बाद में मिलती हैं। तो बनी रही मेरे ब्लॉग में, बहुत कुछ है खास। मैंने बोला है पापा की तबीयत ऐसी है, लेकिन अभी तो चाय बना खाना है, लेकिन फिर भी उनको पूछ रहे हैं, लेकिन वो है कि मानते हैं। मैंने गाइस उनके लिए सूप भी बोला था कि सूप ऑर्डर कर देती हूँ, वो भी मना कर रहे हैं। गाइस अब तो आपको पता है ना शहीदी दिन चल रहे हैं, तो वो तो पी नहीं सकते चिकन सूप, तो पी नहीं सकते वेज सूप, दो टोमेटो वो भी नहीं पीना चाहते। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि जरूर पिया कि हमारी बात माने। हाँ हमारी बात नहीं मानते। तो गाइस चाय बस रेडी हो रही है, तब तक हम मिलते हैं आपसे। सरप्राइज है इसी के गाइस, हमने कहा था कि हमें जाना है गाइस मॉल में, तो गाइस हम जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, बस गाइस पहुंचने वाले हैं और बर्फ़ गिरने वाली है, अपनी जैकेट चलानी। ओह गॉड इट्स गिरी भी है बर्फ़ गाइस, तो गिरी भी बर्फ़ दिल्ली में तो नहीं गिरी, हाँ इंडिया गेट वगैरह जब जाओ मुझे गाइस गिरी थी, उनको पता होगा गाइस को भी। तो आपके आपसे पहुँच के ही मिलते हैं गाइस, बने बनी रही है। मॉल में इतना क्राउड है गाइस, वो वहाँ पे चेकिंग हो रही है, लाइन लाइन बहुत तरह क्राउड है।
चलो अंदर चलते हैं। हाँ हाँ ये गाड़ी जा रही है। व्हाट इज दिस गाइस, लेटर टू सेंटा। अच्छा सेंटा को लेटर दो, लेटर टू सेंटा। देखो कैसा अच्छा लग रहा है ना जी। बोल बोलने आए कितना क्राउड है यहाँ पे। नहीं शाम सेंटर का कितना तरीका है यहाँ से देखो वो तरीक से कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। पहले जब हम आए थे ना गाइस, हाँ तो वो इतना नहीं था क्राउड, अब ज़्यादा क्राउड लग रहा है। ये देखो यार कितना ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा। आज तो मजा ही आ जाएगा। कैप भी पहन अभी वो बच्चा होगा। नहीं बच्चा नहीं हो ना, मतलब अच्छा कोई चल रही है तो सेल्समैन वगैरह होंगे, सेल्स गर्ल्स होंगी गाइस। आज तो फिर भी आते, कल बहुत भीड़ होगी। चलो आगे चलते हैं, बड़ा सेल्फी सेशन चलते हैं गाइस। चार पाओ मैन सेशन है तो वॉच सेशन मैं देखती रही हूँ। ब्लॉगर बहुत खास ये मैं देखी ये कुर्ती सेशन इंजॉय कर रहे हैं ये तनिष्क। अच्छा मोहनलाल इंसान के कपड़े हैं तो नहीं जो ऐड आती है कि वही है। आजकल ऐसे कपड़े बहुत चल रहे हैं ना, ये वाले ग्रीन वाले ग्रीन वाले इंस वगैरह पहनती हैं ना। गौर यहाँ देखो ये वाले कपड़े देखो, ये फैशन। हाँ ये देख पढ़ देखिए चलो फैशन ही है। हाँ मुंडे गाना बोलते हैं तेल लगाना भूल गए। आजकल चेक भी इतनी वीडियो आने लगी पता नहीं चलता कौन सा किड्स वेयर है कौन सा क्या है। ये भी मेंस वेयर ही है। अभी तो रात को और जो लाइटनिंग होगी अभी की आतंक कभी तक ना, इसलिए आज आए थे तो हमको ये दिखा रहा है जिसको पता हाँ लिखा भी अपने नाम से गानू वही है। मतलब उन्होंने कहा
अब इतना भी गाड़ी में निकल जाते हैं, जो खाली हो चुका है। पहुँच चुकी है घर, पहुँचने वाले हैं गाइस, थोड़े से ही रह गए बस। तो बनी रही है ब्लॉग में एक खास बात, क्या बात, क्या नहीं, क्या होने वाला था कोई नहीं जाएगा, वो तो बहुत ही मेन है आज। बात आज ये कि ना फोन पर, वेल गाइस हम ना काम व्लॉगिंग कर रहे थे गाइस, फोन खींचने वाला था, स्नैचिंग होने वाली थी। बाय गॉड क्रिस, ऐसी स्ट्रेचिंग होने लग जाए, जगह जगह स्ट्रेचेस घूम रहे गाइस। तो आप भी गाइस ध्यान रखना, हमारा तो फोन बच गया, आप भी ध्यान रखना गाइस। फिर पहुँचने वाली है, आपसे कुछ नहीं मांगते हैं गाइस। पकड़े ना कुछ सामान मंगाया था, क्योंकि बीमार है ना इसलिए, तो आपसे बाद में मिलती है। पापा के लिए सामान मंगाए थे ना, वो तो आ गया, उसके साथ ना मैरी क्रिसमस का कुछ गिफ्ट आया, तो आपको भी दिखाते हैं। वेल गाइस, अब कल परसों की बात है, मेरे फोन में ना मैसेज आया, व्हाट्सएप किया था गाइस कि बिग बास्केट से ना कोई भी ऑर्डर किया करो गाइस, तो सामान मिलेगा, मतलब फ्री गिफ्ट सेंटा से मिलेगा। वाओ सेंटा गिफ्ट गाइस आ चुका है गाइस, देखिए देखिए सेंटा बना हुआ है, सेंटा से गाइस, सेंटा तो हमेशा हम गिफ्ट लेते रहते हैं गाइस। मैं आपको दिखाती हूं, देखिए तो ये गाइस ये पैनकेक का है, एगलेस पैनकेक, आगे करिए देखिए गाइस को दिखे, और ये वेज है, बट गाइस ये नॉन वेज है, यहाँ पे हमारे घर में कोई नहीं खाता गाइस, बट कोई बात नहीं, पापा खा लेंगे गाइस, ये नॉन वेज है। ये प्लम केक है, और गाइस ये पता नहीं क्या है, मैंने अभी ओपन नहीं करा, ये बंद हुआ है, इसको बाद में मैं ओपन करूँगी। ये गाइस चोको पाई है, देखिए रुकिए रुकिए गाइस को दिखने दीजिए क्लियर, और गाइस ये छोटा सा ग्रीटिंग है बाय बिग बास्केट, वो क्रिसमस विश कर रहे हैं गाइस, तो इतना ही सब कुछ है। मुझे तो बिग बास्केट का ये बहुत पसंद आया, ऊपर से सेंटा आए, देखिए आपके घर में सेंटा आए, मंगाइए, गिफ्ट एंजॉय कीजिएगा, वेरी हैप्पी क्रिसमस। डैडी देखिए कैसे बैठे हैं, बस गिर ही जा रहे हैं। डैडी अब कैसे लग रहे हैं, जब कुछ कहोगे नहीं तो ऐसे ही होगा। मम्मी तुम भी कुछ समझाओ डैडी को कि बताओगी कुछ, हाँ दवाई नहीं बिल्कुल भी खाते, बहुत ही अपनी मन की करते हैं, और ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, अपनी मन की करता है, तभी देखो कैसे गाइस एकदम पतले हो गए हैं, और भी ज्यादा ऐसे ही पतले हैं, ऊपर से खाएंगे पियेंगे नहीं तो और पक, ठंड में ऑरेंज खाते हैं फ्रिज से निकाल के। लो जी मैं कितनी बारी मना करा जब भी नहीं सुनते हैं डैडी, तो डैडी को आराम करने देते हैं, आपसे बाद में मिलते हैं। वाहेगुरु जी के पत्ते में शब्द सुनाने जा रही हूँ, तकदीरी माता गुजरी नहानिनी, पुत सुत माची वाड़े कैद विच नानिनी, पुत सुत माची वाड़े कैद विच नानिनी, कितने दसिए माता गुजरी ने चलने नी, आया नगरी ने रहे जख्म अवले नी, कितने दसिए माता गुजरी ने चलने नी, आया नगरी ने रहे जख्म अवले नी, जिंदगी रही है सदा जुल्मा दी चाननी, पुत सुत माची वाड़े कैद विच नानी, पुत सुत माची वाड़ी कैद विच नानी, से पिछे वार दिता अपना सुहागनी, रखिया लुका के आए दिल च बिरागनी, पति तो बिना भी काना जिंदगी दानी, पुत सुत माची वाड़े कैद विच नाननी, पुत सुत माची वाड़ी कैद विच नाननी, पुत दे सहारे नाल जीवन गुजारिया, माची वाड़े सुता हो मुसीबत दा मारिया, पुत दे सहारे नाल जीवन गुजारिया, माची वाड़े सुता हो मुसीबत दा मारिया, माची वाड़े सुता हो मुसीबत दा मारिया, कली रह गई मौत हूं लालनी, पुत सुत माची वाणी कैद विच लालनी, पुत सुत माची वाणी कैद विच लालनी,
बेटे रात सारी इंज बीत जावेगी, पुत्री खबर नेता नींद किवे आवेगी। बैठे बैठे रात सारी इंज बीत जावेगी, पुत्री खबर नेता नींद किवे आवेगी। बैठे बैठे रात सारी इंज बीत जावेगी, पुत्री खबर नहीं ता नींद किवें आवेगी। हत्था विचो चले जाने लाडले दिलालनी, पुत सुचा माछी वाले कैद विच लालनी, पुत सुचा माछी वाले कैद विच लालनी। पहला पति खोया फिर आनंदपुरो कड़िया, होनी नी अजे भी पिछा ऐस दान छड़िया। जिंदगी च होनी हो रे कितने पुछाननी, पुत सुत माछी वाली कैद विच लाननी, पुत सुत माछी वाली कैद विच लाननी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज नौ पोह की रात है, जो आज मैं आपको इतिहास बताने जा रही हूँ उस बारे में। आज गुजर कौर जी और छोटे साहबजादे उनके साथ वो गंगू ब्राह्मण जो से उन्हें लेके जाया जा रहा था, तो और उन्होंने पूरा भरोसा करा हुआ था गंगू ब्राह्मण पे। वो नहीं समझ सके उनके पापी मन को, उनको अपने साथ लेके गया। पहले कहते हैं कि ना रस्ते पे मतलब एक झुग्गी आई, वहाँ पे उनको बिठा दिया, जिसमें झुग्गी के अंदर एक फकीर था जो भगवान की बहुत वो करता था। फिर वो एकदम अपने झुग्गी में आया, वो फकीर देखने लगा कि ये तीन शख्स कौन है ऐसे नए मतलब, तो उन्होंने फट पहचान लिया कि ये तो भगवान का ही रूप है। तो उन्होंने बाहर जाके प्रसादा खाया, उनको भी सिखाया, और फिर आगे फिर वो शाम हो गई। तो फिर माता जी और गुजर कौर जी और छोटे साहबजादे उनका उड़ीक कर रही थी गंगू ब्राह्मण का, लेकिन गंगू ब्राह्मण शाम को आया तो कि उसके मन में तो लालच था। फिर वो आया तो जैसे माता जी ने कहा चलो, फिर वो गंगू ब्राह्मण फिर से चुपड़ी चुपड़ी बातें करने लगा कि इतने प्यार से बोलने लगा कि चलो माता जी हम मैं अपने घर लेके चलता। फिर वो अपने घर लेके गए जो गुजर कौर जी और छोटे साहबजादे जी को। तो जैसे ही वो घर पे पहुँचे तो माता जी ने अपनी वस्त्र चेंज कर वस्त्र नए पहने स्नान करके, और छोटे साहबजादे को भी स्नान करा के उन्होंने वस्त्र चेंज कराए। और फिर उसके बाद कि उन्होंने कहा कि मतलब भोजन सुबह से मतलब, तो फिर वो प्रसादे ने के ना अपने घर पे उन्होंने प्रसादा बनाया गंगू ब्राह्मण ने, ऐसे ही मतलब रोक आगे रखा खाने का जो वो खा भी नहीं सकते थे। फिर उन्होंने कहा माता जी ने कि मैं एक मोरा मोर यानी पैसे दे के मोरे दे के उनको कहा गंगू ब्राह्मण को कि जाओ जो बाहर से मिलता है उसे लेके आओ। वो गंगू ब्राह्मण ऐसा था वो पतासे लेके आया, बस जितने पतासे लेके आया थोड़े बहुत वो पतासे खा के और पानी पी के माता जी गुजर कौर जी ने और साहबजादे ने रब मान के उसे बाना मान के खाया, प्रसाद ग्रहण करा। और फिर वो सोने लगे। तो जैसे ही सोने लगे तो गंगू ब्राह्मण के मन में पाप आ गया। उसने क्या करा, वो जो मोरे थी ना जो माता जी ने अपनी सराहनी के नीचे रखी थी वो चोरी करने के हिसाब से चोरी करके लेके चला गया, और उसने वहाँ जाके एक सूखी जगह पे उसे दफना दिया। उसके मन में तो लालच था, उसके मन में ये भी लालच था कि ये जो है इनको अपनी माँ को बोल अपनी माँ को बोला उसने कि ना इनको खाने में जहर डाल दे जाए। तो लेकिन उनकी जो गंगू ब्राह्मण की माता जी उन्होंने कहा ऐसा कह मतलब कुछ नहीं करना, तो उन्होंने उसने बात मान ली। फिर गंगू ब्राह्मण जो माता जी को हमेशा ये ड्रामा देख जा रहा था कि मुगल जो मुगल के वहाँ के बंदे हैं मतलब वो सिखों को ढूंढ रहे हैं, और जो भी ये अफवाह फैली हुई थी कि जो भी उनको पकड़े मतलब
उनकी मदद करेगा सिखों की, तो उनके परिवार को कोल्हू में पीस दिया जाएगा, तो इसलिए कोई उनकी मदद भी नहीं कर रहा था। ये ड्रामा दे दे के वो माता जी और साहबजादे को प्रसाद अपने घर लेके आ गए। नौ पौधी रात पिंड सहेड़ी में गंगू ब्राह्मण के घर ही माता जी ने और माता गुजर कौर जी ने और छोटे साहबजादे ने वजी के लिए यही आज का इतिहास। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कितना मुश्किल होता है कि ठंड में कैसे खाना पीना, और कितना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ करा, कितना वो होता है। लेकिन हम तो आजकल के इंसान जो होते हैं वो ये चीज़ें समझ ही नहीं पाते, कुछ भी नहीं समझ पाते। मानते हैं क्रिसमस है तो उसे भी मनाइए, वो यीशु भगवान जी का कल बर्थडे है वो भी समझ आता है, लेकिन साथ साथ सिक्की सिख धर्म को भी कभी नहीं भूलना चाहिए, उनको भी याद रखना चाहिए, क्योंकि सब भगवान एक ही हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि क्रिसमस है, और कुछ लोग सोचते हैं कि सिख वो है सिक्की वो शहीदी वो चल रहा है महीना, लेकिन दोनों को साथ में रखना चाहिए। यहूदियों ने तो यीशु भगवान जी के साथ भी कितना वो करा था, तो साईं भगवान जी यही कहते हैं कि सबका मालिक एक, तक भगवान तो एक ही होते हैं, तो सब धर्म को समझना चाहिए। बस मैं यही आपको बताना चाहती थी गाइस, तो मेरे पास में बहुत कुछ है खास, तो बनी रहिए। तो जा टाइम हो गया था, तो सोचा कि क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए, अब प्याज टमाटर की सब्जी दिमाग में आई है, तो ये बना रही हूँ। गाइस पहले ना हमने पनीर की भुर्जी सोची थी गाइस, पर बहुत बहुत ठंड है इसकी वजह से ना हमने मना कर दी जाने को, तो हमने कहा जो घर में पड़ा ना वही बना लो, तो इसलिए गाइस इंस्टेंट सब्जी तो यही बन सकती है, तो गाइस इसलिए यही बना रहे हैं। हाँ, तो बनिए गाइस सब्जी तो बनी चुकी है, तो मैंने सोचा फुलके भी बना लेती हूँ, तो क्योंकि मैं जा रही हूँ आपसे बात भी होती है। देखिए परौंठी बनाई है मैंने, और साथ ही प्याज मटर की भुर्जी बनाई है जो मैंने आपको बनाया था, तो बने हुए ब्लॉग में कहीं बन जाइए, अभी भी बहुत खास है ब्लॉग, तो तब तक आपसे मिलने वाले हैं। भाई सब ब्लॉग का एंड करने का समय हो गया, आपको तो पता ही है आज के ब्लॉग में बहुत ही कुछ खास, जो जहाँ गए थे मतलब मॉल में क्रिसमस का वो ईव मनाने के लिए, खूब सारी मस्ती करी मैंने, मेरी बहन ने लिखी मैं जल्दी आना पड़ा क्योंकि पापा की भी तबीयत खराब थी, आपको क्लिप में दिखाएंगे हम, लेकिन साथ साथ अब ब्लॉग करने का एंड हो गया है, तो मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और साथ में सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में जिन्होंने मेरे कल का ब्लॉग और आगे जितने नाइन सारे ब्लॉग हमेशा देखिए, और जिन्होंने नहीं देखा वो देख लिए, और जो आने वाले ब्लॉग है वो भी बहुत कुछ खास होंगे, और साथ साथ मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, दोबारा से बोल रही हूँ फिर भी, और साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम की रील्स है और शॉर्ट्स भी बनाती हूँ यूट्यूब पे, उसे भी देखिए, और रील्स में इंस्टाग्राम में मेरा नाम है इंद्रदीप कौर, वहाँ जाइए फॉलो कीजिए, और इसी के साथ मेरा ब्लॉग एंड होता है, बाय बाय।